हेलो गाइस, आज हम जानेंगे कि हमारे गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की, लड़का कौन से मंथ में घूमना पसंद करता है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, ताकि जब भी मैं कोई भी अपनी वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम जो है प्रेगनेंसी की अपनी न्यूज़ देखते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के सवाल आने लग जाते हैं कि हमारे गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो लड़का है या लड़की है। डॉक्टर जब अल्ट्रासाउंड हमारा करते हैं तो हम ऐसे देखते हैं कि हमारे पेट में जो है लड़का है या लड़की है, यहाँ की साइड दर्द हो रहा है तो लड़का है, अगर कहीं और दर्द हो रहा है तो क्या लड़की है। तो हमारे मन में तरह तरह के जो है वो सवाल चलते हैं और हम डॉक्टर से बातें करते हैं, और हमारी डॉक्टर जब हमें कुछ गाइड करती है तो हम उसके अकॉर्डिंग ही खाना पीना जो है अपना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी में डाइट खाना बहुत हेल्दी रहता है। हमारे घर में कोई भी हमारा कलीग होता है वो हमारा ध्यान इतना रखता है, और हम लोग जो है वो हमारे खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखता है, और बच्चे के लिए हम अपना हेल्दी खाना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा कोई लिंग भेद करने का कोई मतलब नहीं है, बस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गर्भ में लड़का है या लड़की हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो जब हमारा अल्ट्रासाउंड होता है और बच्चा ऐसे हमको घूमते हुए दिखता है तो हमको ऐसा लगता है कि कैसे कोई दिख जाए कि हमारे गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो लड़का है या लड़की। क्योंकि हर एक माँ बाप का कर्तव्य बनता है कि उसकी गर्भ में पल रहा बच्चा जो है वो क्या पल रहा है। और हम जो हैं हम अपने फ्रेंड सर्कल में, घर में, परिवार में सबको दिखाने लगते हैं कि ये बच्चा है हमारा, और हमारे हस्बैंड भी इतने खुश होते हैं कि किक कर रहा है और हमको देखते हैं कि ये तो बिल्कुल कितना वाव, कितना अच्छे से किक कर रहा है। तो और वो दोबारा जो है सुनते हैं कि दोबारा ये किक कब करेगा। और जब हमारे गर्भ में पल रहा बच्चा जब बोर्न हो जाता है और जब हमारी वो पहली बार उंगली पकड़ता है तो माँ के जो भी पीड़ा होती है गर्भावस्था के दौरान, पहले से महीने से लेकर के 9 महीने के बीच में भी जब भी वो डिलीवरी हो जाती है, वो सारा दर्द माँ भूल जाती है। जितना भी दर्द माँ ने सहा होता है वो सारा वो भूल जाती है जैसे ही उसके गर्भ में बच्चा आता है, हाथ में जब बच्चा आ जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जब प्रेगनेंसी होती है और हमारा जो है इतना परेशान हम रहते हैं और जब हमारे बच्चे को देखते हैं हम लोग तो सारा दर्द भूल जाते हैं, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे गर्भ में पल रहा बच्चा जो है वो लड़का है या लड़की है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा जो है बेटा कौन से महीने में घूमाता, तो मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बताऊँगी। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज ऐसे आते हैं कि सबका अलग अलग होता है, ऐसा नहीं होता, ये सारे झूठ वीडियो है। तो सच में सबकी ही बॉडी जो है अलग होती है, सबके हार्मोन्स अलग बनते हैं। बट मैंने जो है आपको कल एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने बताया था, पूरी वीडियो अपनी दिखाई थी कि मुझे जो है बेटा कंसीव हुआ था। तो मेरे अंदर कौन से ऐसे लक्षण थे, कौन सी ऐसी मैंने चीज़ें खाई थी, कब मेरे बच्चे ने मूवमेंट की थी, मैं सिर्फ आपको वही बता सकती हूँ क्योंकि मैंने जो है अपना लड़का कंसीव किया था। तो मैं आपको लड़के के बारे में ही बता सकती हूँ। लड़की के बारे में मैं इसलिए नहीं बताती हूँ कि जब मैं दूसरी बेटी होगी तो अगर वो बेटी हुई तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि बेटी के कौन से लक्षण होते हैं। तो प्लीज़ कोई भी बैड न्यूज़, जो बैड कमेंट्स करते हैं तो वो मत कीजिए, क्योंकि देखिए हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। भगवान भी, कोई भी डॉक्टर या कोई भी, भगवान भी अलाउड नहीं करता है कि कैसे पता करें कि लड़का है या लड़की है। बट कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो हमारे बड़े बूढ़े हमको दिखाते हैं या बताते हैं कि इससे गर्भ में लड़का हो सकता है या लड़की हो सकता है, कौन से महीने में लड़का घूमना स्टार्ट करता है। तो सिर्फ आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। कोई भी आपके मन में क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन आप कर सकते हो, मैं रिप्लाई बहुत करती हूँ, सबके रिप्लाई करती हूँ। अगर एक आध के रह भी जाते हैं तो प्लीज़ दोबारा रिमाइंडर जो है मुझे डाल दिया करो, दोबारा मैसेज कर दिया करो, क्योंकि मेरे पास भी मेरा बेटा है, उसके अंदर मैं थोड़ी बिज़ी रहती हूँ, थोड़ा सा घर में बिज़ी रहती हूँ, तो इसलिए जो है आपके मैसेज ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा रिप्लाई करने में दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, जब भी हमारे गर्भ में पल रहा बच्चा होता है जिसके बारे में हमको बिल्कुल भी नहीं पता होता है कब वो मूवमेंट करेगा, कब वो क्या करेगा, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लड़की होती है वो 3 महीने के अंदर जो है वो घूम जाती है।
बहुत जल्दी जो है ना, लड़की बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव होती है, वो बहुत जल्दी घूमना स्टार्ट कर देती है। तो मेरा जो बेटा है, मैं अपने अनुमान से आपको बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ था, तो मेरा बेटा जो है 5 साढ़े 5 महीने के बीच में ही जो है वो घूमा था। तो पहली बार जब वो घूमा था और जब उसकी जो किक थी वो मैंने महसूस की, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी उसको देख करके कि मेरे घर में बच्चे ने फर्स्ट बार जो है मुझको किक की है। तो माँ को बहुत अच्छा लगता है ऐसे देख करके कि बच्चे ने जो है अब किक की है। तो हम जो है ना इस बारे में सोचते रहते हैं कि बच्चा कब किक करेगा कब नहीं करेगा, क्योंकि एक माँ को उसकी देख रेख करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जब बच्चा मूवमेंट नहीं करता है ना, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा जो है मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो जब आप जो है डॉक्टर के पास जाते हो, तो उनसे चेकअप करवाते टाइम सारा चीज़ पूछा करो। आपका हक बनता है सब चीज़ पूछने का। क्योंकि जब मेरा बच्चा भी मुझे घूमता हुआ महसूस नहीं होता था, बट मैं जब डॉक्टर की जो डेट होती है कि इस दिन आपको दिखाने आना है बच्चे के बारे में हर चीज़, जब हमारा चेकअप होता है, तब मैं हर चीज़ पूछती भी थी डॉक्टर से कि बच्चा कैसा है कैसा नहीं है, उसकी हार्ट बीट कितनी आ रही है, हर चीज़ मैं पूछा करती थी। तो महसूस रहता था, एक सुकून रहता था कि बच्चा जो है वो हेल्दी है और अच्छा है। आप लोगों ने कल जो मैंने वीडियो डाली थी, तो उसमें देखा भी होगा मेरा बेटा कितना हेल्दी है, कितना क्यूट है। 3.5 किलो का जो है मेरा बेटा हुआ था। तो आपको उसके लिए बच्चे की हेल्थ जो है ना अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसका जो है ब्रेन वगैरह कैसना जो संस्कार होते हैं ना, वो हमें जो है ना गर्भ में ही देने होते हैं। जब बोलते हैं ना कि जब पौधा उगता है तो तभी उसको अच्छी अच्छी पानी दे दो, खाद दे दो, तो वो अच्छा उगता है। तो बच्चे के लिए डाइट के लिए मैंने क्या क्या चीज़ खाया था, इतना जो गोलू मोलू बच्चा हुआ, क्योंकि जब बच्चे कम कम होते हैं, मतलब कि जिनका वेट कम होता है, तो उनके अंदर बहुत सारे जो है दिक्कत आ जाती है। तो मैं आपके लिए ये भी बताऊंगी कि आपको क्या क्या खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, क्योंकि आप जब ज़्यादा चीज़ खाते हो तो आपका बीपी शुगर वगैरह ये चीज़ बढ़ने की ज़रूरत होती है। और आपको कितनी कैलोरी खानी होती है एक दिन में, वो भी आपको सारा बताऊंगी। तो गर्भ में जो लड़का है वो 5 या 5.5 महीने के टाइम पर जो है घूमता है, और जब वो घूमता है तो बहुत अच्छा महसूस होता है एक माँ को कि मेरे गर्भ में पल रहा बच्चा जो है वो अब घूमा है। तो आपको पता लग गया होगा कि गर्भ में बच्चा जो है 5.5 महीने के बाद ही घूमता है। तो मेरा तो 5.5 महीने के बाद ही घूमा था, बट मेरे पास अभी जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी, तो मुझे ये बहुत सारे कमेंट आएंगे कि मेरे पास मेरा तो 3.5 महीने में घूम गया था, और मुझे बेटा हुआ था मेरा 4.5 महीने में घूम गया था। तो सबकी बॉडी देखिए अलग अलग होती है, सबके हार्मोन्स अलग होते हैं, सबकी एक्टिविटी अलग होती है, और सबका खान पान अलग होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही जो है बच्चा मूवमेंट करता है। तो सबके साथ जो हुआ तो आप लोग भी बता सकते हो, जो मेरे साथ हुआ मैं आपको वही बताती हूँ। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आ सके और आप सारे वीडियो देख करके सारी जानकारी ले सको कि बच्चे के लिए क्या क्या चीज़ अच्छी है क्या क्या चीज़ अच्छी नहीं है। क्योंकि एक माँ के लिए बच्चे की देख रेख करना बहुत ज़रूरी होता है, बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है। तो उसकी चीज़ के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या डाइट लेनी होती है प्रेगनेंसी के दौरान, कि बच्चा आपका हेल्दी रहे और आप भी हेल्दी रहो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आजकल बारिश का टाइम चल रहा है, थोड़ा सा जो है अपनी टेक केयर कीजिए, कहीं आपका पैर वगैरह ना फिसल जाए। कहीं पे भी जाइए, आप बाथरूम में जा रहे हो या फिर बालकनी में जा रहे हो और बारिश वगैरह हो रही है, तो हर चीज़ पकड़ पकड़ के जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश के दिन चल रहे हैं। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, जब कभी हम कुछ भी करते हैं और हमारा ध्यान नहीं रहता है और हमारा पैर वगैरह जो है वो फिसल जाता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो किसी को भी कोई भी नुकसान ना हो, और इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें गाइड कर रही हूँ, तो आपका बच्चा और आप दोनों सुरक्षित रहो। बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जो है माँ को हो जाता है, बच्चे को भी हो जाता है इस टाइम जो है, जब बारिश वगैरह होती है तो इन्फेक्शन का चांस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, बुखार आना, खांसी जुकाम होना।
तो मैं उसके लिए भी जो है अच्छी सी एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जो है मेरी डिलीवरी भी जो है सर्दियों में हुई थी और मुझे भी खांसी जुकाम बुखार हुआ था, तो मैंने क्या किया था क्या नहीं किया था, तो उसके लिए भी एक अच्छी सी मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो एक लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर ऑन करना। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।